हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है तो ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपने कहा था कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाओ दीदी तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू चलेगा ठीक है तो जिसे भी कोई और चैप्टर पढ़ना हो कोई और बुक पढ़ना हो क्लास ट्वेल्थ का तो जा सकता है वो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हाईलाइट सेक्शन चेक कर लेना एक बार आपको हाईलाइट सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं क्या हमें पढ़ना है स्टार्टिंग में क्या है हमारा इंडिया इज द पा ऑफ आर एम्पायर इफ द एम्पायर लॉसिज एनी अदर पार्ट ऑफ हिस डोमिनियन वी कैन सरवाइव बट इफ़ वी लॉस इंडिया द सन ऑफ आर एम्पायर विल हैव सेट यहाँ पे विक्टर अलेक्जेंडर रूस ने कहा है ये बात ये कौन थे तो ये ब्रिटिश इंडिया के वायस राय थे एटीन नाइनटीन फोर में इन्होंने ये कहा था इनका कहने का मतलब ये था कि जो इंडिया है वो क्या है हमारे एम्पायर का हमारे साम्राज्य का आधार है अगर हम इसके कोई एक पार्ट को खो देते हैं जैसे कि कोई एक राज्य को खो देते हैं कि स्टेट को खो देते हैं इंडिया के तो हम मतलब सर्वाइव कर सकते हैं बट अगर हमने पूरे इंडिया को खो दिया तो जो हमारे एम्पायर का हमारा साम्राज्य का जो सूरज है वो अस्त हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा ठीक है तो ये कहा था उन्होंने अब देखो स्टार्ट करते हैं हम द सोल पर्पज ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वॉज टू रिड्यूस द कंट्री टू बींग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन्स ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस तो बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी के तो इंडियन इकोनॉमी में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उस टाइम में क्या चल रहा था तो सबको पता होगा कि स्टार्टिंग में जो हमारा इंडिया था वो काफ़ी अच्छा था एग्रीकल्चर भी अच्छे से प्रोड्यूस प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का अच्छे से होता था और मतलब सेल्फ सफिसियंट काफ़ी हद तक तो था ही ठीक है तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जब आया जो ब्रिटिश हमारे कंट्री में आए तो उनका सोल पर्पज़ क्या था इकोनॉमिक को लेकर के तो उनका सोल पर्पज़ था कि जो हमारा इंडिया है ठीक है वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करें वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस का रॉ मटेरियल सप्लायर का बन जाए ठीक है ग्रेट ब्रिटेन को वो प्रोड्यूस करे जो रॉ मटेरियल्स हैं यहाँ के वो सप्लाई करे और जो खुद है वो क्या बन जाए इंडिया खुद और क्या बन जाए तो जो वहाँ से आने वाले जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होंगे उसको कंज्यूम करने वाला बन जाए ठीक है तो ये था आगे देखो हमारे पास क्या है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल बिफोर ब्रिटिश रूल तो सबसे पहले हम बिफोर ब्रिटिश रूल का पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले क्या था और ब्रिटिश रूल के बाद क्या हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल का जब टाइमिंग चल रहा था उस टाइम में क्या हुआ ठीक है तो देखो सबसे पहले हमारा है इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल तो मैंने पहले भी बताया कि जो इंडिया है उसके पास क्या था इंडियन इकोनॉमी एकदम इंडिपेंडेंट था ठीक है ब्रिटिश रूल से पहले एग्रीकल्चर क्या था सोर्स जो हमारा लाइवलीहुड का था उसका मेन सोर्स था एग्रीकल्चर जितने भी पीपल्स थे इंडिया के वो एटी परसेंट कहाँ डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे सब कुछ उनका एग्रीकल्चर से ही चलता था इकोनॉमी वाज करेक्टराइज बाय वेरियस काइंड्स ऑफ मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारे मैनुफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी होते थे हाथ से बुनने वाले जो कपड़े वगैरह होते थे ये भी बनाए जाते थे वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ पूरे वर्ल्ड में ये जाना जाता था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए ठीक है इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल मेटल एंड पेसियस स्टोन वर्क्स कौन से फील्ड में तो कॉटन और सिल्क से जो भी चीज़ें बनाई जाती थी मेटल और प्रेसियस स्टोन से जो वर्क किए जाते थे उसके लिए ये फेमस था ठीक है प्रोडक्ट्स एंजॉया वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ट ऑन द रेपूटेशन ऑफ फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इंडिया के जो भी प्रोडक्ट्स थे ठीक है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे वर्ल्ड का जो मार्केट था वहाँ पे फेमस थे कैसे फेमस थे तो अपने रेप्यूटेशन की वजह से कि क्योंकि जो उनकी मतलब जो उनके जो मैटेरियल्स होते थे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी तो उसका एक रेप्यूटेशन बन गया था कि इंडिया से जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं जो भी मेटीरियल्स आते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है तो वो काफ़ी अच्छा नाम था उनका ठीक है तो इतना हमारा हो गया अब आगे देखो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या हो गया तो ब्रिटिश रूल में देखो क्या हुआ कॉन्सर्न मोर विद the protection एंड promotion ऑफ़ the economic इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्रीज than विद the डेवलपमेंट ऑफ the इंडियन इकोनॉमी जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने किस चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो उन्होंने हमारा जो जो भी चीज़ था उसका प्रोडक्शन और उसका प्रमोशन उन्होंने नहीं करवाना शुरू किया और करवा भी रहे थे अगर तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए करवा रहे थे अपना जो उनका ब्रिटेन था उसके लिए करवा रहे थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं करवा रहे थे ठीक है वो अपने लिए था सब कुछ आगे क्या है आ गए इकोनॉमिक पॉलिसीज कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज भी लाए गए ब्रिटिश के द्वारा और उन इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ़ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन ठीक है तो देखो उन्होंने क्या कर दिया कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाए जिसमें कि हमारी जो कंट्री थी उसको सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का और जो जो भी ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते थे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स उसका कंज्यूमर बना दिया आगे हमारे पास कि कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम की मेज़र्स को अटेम्प्ट किया है इकोनॉमिस्ट टू अटेम्प्टेड टू मेज़र इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम तो इसमें दादा भाई नौराजी शामिल थे विलियम डिगबी फेंडिले श्रीराज वी के आर वी राव डी सी देसाई आर सी देसाई सॉरी ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने कोशिश करी है हमारे इंडिया की जो नेशनल और पर, पर कैपिटा इनकम है उसको मेज़र करने की द एस्टिमेट्स गिवन बाई यू के आर वी राव और नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम वे आर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट तो इन सब में से जो वी के आर वी राव थे उनके जो भी एस्टिमेट्स हैं उनके जो भी ओपिनियंस है वो क्या किए गए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर्ड किए गए माने गए तो ये हमारा हो गया ब्रिटिश रूल के टाइम में क्या चला अब देखो एग्रीकल्चर सेक्टर अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा था उस टाइम में अबाउट एटी फाइव परसेंट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एटी फाइव परसेंट जो पीपल्स थे हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो विलेज में रहती थी और किस पर डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैगनेशन लेकिन जो हमारा एग्रीकल्चर था उसका जो प्रोडक्शन था वो क्या होने लगा वो धीरे धीरे कम होने लगा वो ख़त्म होने लगा उसमें मतलब जो बढ़ोतरी होती है वो नहीं होने लगी ठीक है दिस स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज काउस्ड मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट देयर वेर इंट्रोड्यूस बाई द कोलोनलिय गवर्नमेंट तो अब ये स्टेग्नेशन क्यों होने लगा ये कमी क्यों होने लगी क्योंकि हमारे जो हमारा एग्रीकल्चर था वो तो बहुत अच्छा था भाई वो तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी हमारे इंडिया की तो अचानक से कैसे ये होने लगा तो वो होने लगा बिकॉज बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स बनाए गए थे सिस्टम्स बनाए गए थे किसके द्वारा कोलोनियल रूल के द्वारा ियल गवर्नमेंट के द्वारा तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे किस तरह के लैंड सेटलमेंट्स होते थे ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अब आगे देखो हमारे पास क्या है द प्रॉफिट प्रोफिट आउट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वेन टू द जमींदार्स ऑफ द इंसिवेटर्स कम हो रही थी कैसे कम हो रही थी क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स होता था एग्रीकल्चर से ठीक है वो जमींदार के पास चला जाता था जमींदारी सिस्टम स्टार्ट हो चुका था जमींदारी सिस्टम चल रहा था तो जो भी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन हुआ जो भी बेनिफिट हुआ वो किसके पास गया वो गया ज़मींदार के पास जमींदार का, का काम क्या होता था तो वो हमारी जो कंडीशन थी एग्रीकल्चर की उसको इम्प्रूव नहीं करते थे कुछ भी नहीं करते थे उसको इम्प्रूव करने के लिए उनका काम क्या था कलेक्ट रेंट जो भी रेंट से वो कलेक्ट करते थे वो इसके अलावा उनका कोई काम नहीं था वो मतलब कुछ भी इम्प्रूव नहीं करते थे बस टाइमिंग से उनको हर चीज़ चाहिए होता था उनको रेंट चाहिए होता है रेवेन्यू सेटलमेंट वेयर ऑल्सो रिस्पांसिबल फॉर जमींदार्स एडॉप्टिंग एटीट्यूड तो ये एटीट्यूड जो आया कलेक्ट रेंट करने जो डेट कलेक्ट करने का था वो एटीट्यूड उनके पास इतना कहाँ से आ गया कि उनको चाहिए ही चाहिए मतलब वो कुछ ना करे कुछ ना सुधार करवाए फिर भी चाहिए उनको डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वेयर फिक्स्ड फेलिंग विद द ज़मींदार्स वेयर टू लॉस देयर राइट्स तो ये एटीट्यूड पता है किस लिए था ये एटीट्यूड इसलिए भी था क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या कर रखा था तो उन्होंने उसने एक स्पेसिफाइड डेट बना रखा था कि मतलब ये फिक्स है कि जो जमींदार से उनको इस तारीख को मतलब सारे जो भी डिपोजिट करने होते थे पैसे या फिर जो भी रेंट वगैरह वो सारे डिपॉजिट कर देना उसी फिक्स्ड डेट को ठीक है अगर लेट हुआ तो जमींदार्स के जो भी राइट्स होते थे उनको हाथ धोना पड़ता था उससे ठीक है उनके सारे राइट्स उनसे छीन लिए जाते थे क्योंकि जमींदार्स भी किसके अंडर में आ जाते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर में ऐसा नहीं था उनका जो भी रॉब था वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर करने वाला जो पीपल्स थे कल्टिवेटर्स थे उन पर ही चलता था लेकिन कॉलोनियल गवर्नमेंट में थोड़ी ना चलता था तो ऐसा होता था आगे देखो क्या है हमारे पास लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी लैक ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लेजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स ठीक है तो अब एक और चीज़ है कि हमारा जो एग्रीकल्चर था वो उसका स्टैग्नेशन कैसे होने लगा उसमें कमी क्यों होने लगी उसका प्रमोशन क्यों नहीं हुआ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी उस टाइम में ठीक है जो टेक्नोलॉजी थी वो लेव लो लेवल की थी एकदम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी मतलब जो भी पीपल्स थे जो भी कल्टीवेटर्स थे वो डिपेंड किस पे करते थे तो मॉनसून पे अगर मॉनसून ठीक ठाक हो गया तो जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी अगर नहीं हुआ तो फिर गया काम से उनको तो रेंट देने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल यूज़ नहीं होता था तो जो भी होना है बस ऐसे ही हो जाना है ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम था इसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारा डाउन में जाने लगा अ स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स इस टाइम में एक चेंजिंग भी हुआ था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर थोड़ा अच्छा हो रहा था अब वो चेंजिंग क्या था कि जो पीपल्स थे उन्होंने क्या किया फार्मर्स ने क्या करना शुरू कर दिया उनके जो भी क्रॉप्स होते थे फूड क्रॉप्स उसके पैटर्न को चेंज कर दिया किसमें कॉमर्शियल क्रॉप्स में अब उन वो कॉमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे तो कॉमर्शियल क्रॉप्स का तो भाई उसको तो बेचना होता उसको सेल करना होता तो उससे तो बेनिफिट होगा ही होगा तो वो थोड़ा ठीक होने लगा ठीक है लेकिन फूड क्रॉप्स चेंज हो गया मतलब फूड क्रॉप्स के जगह कॉमर्शियल क्रॉप्स लगाने लगे तो ये था हमारा ये हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस हुए क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ वो देख लो थोड़ा सा तो देखो सबसे पहले क्या हमारा इसमें डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज क्रिएटेड नॉट ओनली मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बट ऑल्सो अ न्यू डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट देखो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो हमारे इंडिया में डिक्लाइन किए ही क्यों क्योंकि वो तो भाई वर्ल्ड लेवल का जो मार्केट है हमारा जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है वहाँ पे उनका बहुत अच्छा चल रहा था वो इंजॉय कर रहे थे अपने पार्ट्स को उनके जो क्वालिटीज थी वो भी काफ़ी अच्छी चल रही थी लेकिन जो हमारा जो जो ब्रिटेन है ठीक है ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो डिमांड मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का और वहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स फिनिश प्रोडक्ट्स थे तो क्योंकि मशीनरी से बनाए जाते तो मशीनरी से बनाए जाते थे तो उनकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी थी और जो प्राइस था वो क्या था वो चीप होता था मतलब सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते थे, से हुए होते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे जो हाथ से बनाए वाले क्योंकि हमारे यहाँ तो मशीनरी उतनी चलती थी नहीं तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसमें गिरावट आया जो लोग थे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज रन करते थे उन्होंने क्या किया सारी इंडस्ट्रीज को शटडाउन करना शुरू कर दिया तो हमारे इंडिया में क्या हो गया अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हुआ बट ऑल्सो न्यू डिमांड ऑफ इंडियन कंज्यूमर मार्केट लेकिन जो हमारे इंडियन कंज्यूमर्स थे उनका डिमांड भी बढ़ गया नया मार्केट में क्या बढ़ा नया डिमांड क्यों बढ़ा तो देखो अब जो भी पीपल्स यहाँ पे रह रहे थे तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे रहती थी तो वहाँ पे वहाँ से भी आए हुए बहुत सारे लोग रहते थे तो उनका जो डिमांड होता था वो जो ब्रिटिशर्स होते थे वहाँ के जो भी मार्केट के जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उसके लिए ज्यादा होता था तो अब जो हमारी कंट्री है वो किस में चेंज हो रही है वो कंज्यूमर में चेंज हो रही है ठीक है वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन यहाँ पे डाउन हो गया देख लो और ये चेंज किस में हो गई कंज्यूमर में हो गई मतलब इसको प्रोडक्ट्स चाहिए फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ठीक है सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया देखो मॉडर्न इंडस्ट्री भी इस टाइम में सेटिंग हुआ था इसका बैठाए गए थे कॉटन जूट टेक्सटाइल मिल्स ये सब महाराष्ट्र एंड गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बैठाए गए थे बंगाल में जूट मिल्स ठीक है तो ये याद कर लेना है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टी आई एस सी ओ वॉज इनकॉरपोरेटेड इन नाइनटीन हंड्रेड सेवन उसके अलावा कौन से इंडस्ट्रीज बैठाए गए सुगर सीमेंट पेपर ठीक है इस फील्ड के इंडस्ट्रीज भी बैठाए गए कब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ये हो गया हमारा अब आगे देखो क्या हमारे पास देखो थोड़ा सा देख लो कि कैपिटल गुड्स क्या होता है कैपिटल कैपिटल गुड इंडस्ट्री में क्या होता है तो इट मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स जो भी इंडस्ट्री मशीन टूल्स बनाती है उसको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ठीक है जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो अब देखो जब नई नई मशीनरीज आई मतलब जो हमारी कंट्री थी वहां पे देखो नए 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 इंडस्ट्रीज बैठाए गए ना नए नए इंडस्ट्रीज बैठाए लेकिन इन इंडस्ट्रीज की वजह से न्यू इंडस्ट्रीज की वजह से हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मतलब उतना ज्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं हुआ ठीक है उसमें योगदान उनका बहुत कम रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्योंकि उनको उस टाइम में क्योंकि वो नए थे तो उतना अच्छा बेनिफिट उन इंडस्ट्रीज को खुद नहीं होता था तो फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो कहाँ से ऐड होगा आगे क्या हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर ये क्या थे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थे पब्लिक सेक्टर में आगे हमारे पास कॉन्फाइंड ओनली टू द रेलवे पावर जनरेशन कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंट जो डेवलपमेंट हुए थे इंडस्ट्रीज के वो रिलेटेड किस चीज़ से थे तो रेलवे पावर जनरेशन कम्युनिकेशन स्पोर्ट्स एंड अदर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो डेवलपमेंट थी वो हो रही थी ओके okay? अब आगे क्या हमारे पास फॉरेन ट्रेड है फ़ॉर ट्रेड में क्या है हमारा इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एनशियन टाइम्स एनशियन टाइम्स से ही हमारा इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉटेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है बट द डिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाई कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरन ट्रेड लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने स्ट्रिक्ट करा है रिस्ट्रिक्ट करा हमारे इंडिया के प्रोडक्शन को जो हमारे यहाँ की मतलब जो भी चीज़ें थी जो फॉरन मार्केट में जाती थी उसमें फॉरेन ट्रेड में कौन सी चीज़ें थी जो रिस्ट्रिक्ट करने वाली पॉलिसीज़ कौन सी थी तो कॉमोडिटी प्रोडक्शन जो भी होता था हमारा उस पर जो भी टेरिफ प्रोड्यूस होने लगे परस्यूड होने लगे उन सब की वजह से क्या हुआ जो हमारा स्ट्रक्चर था हमारी इकोनॉमी का वो क्या हो गया वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया जो हमारा फॉरेन ट्रेड का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया अफेक्टेड हो गया ठीक है जो वॉल्यूम था इंडिया फॉरेन ट्रेड का वो भी चेंज हो गया कंपोजिशन था वो भी सब अफेक्टेड हो गया ठीक है मतलब हमारा पूरा का पूरा जो फॉरेन ट्रेड था वो अफेक्ट हो गया क्यों हुआ क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाए गए थे किसकी वजह से किसने लगाया था ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ने आगे हमारे पास है एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा इंडिया बन गया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर हमने पहले भी पढ़ा कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी तो उसने हमारे इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया था प्राइमरी प्रोडक्ट का रॉ सिल्क यहाँ से ले जाए जाते जा थे सुगर कॉटन ये सारी चीज़ यहाँ से ले जाए जाते जा थे और इम्पोर्ट क्या होता था कौन सी चीज़ें रिसीव करता था इंडिया तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते थे जैसे क्लोथ्स हो गए मशीनरी हो गई ये सारी चीज़ें वो रिसीव करता था अगर हमारे पास ब्रिटेन मेंटेड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ब्रिटेन का एक मोनोपोली चलता था हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स मतलब ब्रिटेन जो था वो क्या करता था मतलब हमारा इंडिया जो है वो किसी एक कंट्री से दो कंट्री तीन कंट्री से ही मतलब फॉरेन ट्रेड उसका हो सकता है बेसिकली तो जो था वो ब्रिटेन से था इसके अलावा दो तीन कंट्रीज जो थी वो कौन थी चाइना सेलोन जिसको श्रीलंका बोलते हैं और पर्सिया ईरान बस इन सब कंट्रीज से ही उसका फॉरेन ट्रेड होता था लेकिन उसके अलावा जो हाफ से भी ज़्यादा ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ होता था तो बस ये था और ये सब रिस्ट्रिक्शन लगाए किसने थे तो ब्रिटेन ने लगाए थे ओपनिंग स्विस कैनल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरन ट्रेड जब स्विस कैनल की ओपनिंग हो गई तो उसने और बढ़ावा दे दिया जो ब्रिटिश का कंट्रोल था हमारे इंडिया फॉरन ट्रेड के ऊपर उसको और बढ़ा दिया ठीक है मतलब कंट्रोल और बढ़ गया किरोसिन फूड ग्रेन्स क्लोथ्स स्कॉर्सली अवेलेबल इन डोमेस्टिक इकोनॉमी तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया से एज अ रॉ मटेरियल चली जाती थी ठीक है तो स्कॉट तो होगी ही हो होगी और वहाँ से जब आएंगी तो वो थोड़ा मतलब डिफरेंट हो जाएगा वो हमारी इकोनॉमी की नहीं होगी तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या होगा उनकी स्कॉट हो जाएगी आगे देखो क्या हमारे पास आगे हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसमें हम डिटेल देखने वाले हैं कि कब फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में हमारा फर्स्ट सेंसस हुआ था ठीक है जिसमें कि जो पॉपुलेशन पौ, थी ब्रिटिश इंडिया की उसको कलेक्ट करा गया था तो इसमें देखो क्या क्या कलेक्ट किया गया था जो बिफोर 1921 का जो टाइम था उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं डिमो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का और सेकेंड स्टेज कब होगा 1921 के बाद जो लिटरेसी लेवल थी ओवरऑल वो कितनी थी 16 परसेंट से भी कम मोर्टेलिटी डेट कितनी थी मृत्यु दर कितना था वो बहुत हाई था बच्चों की जो शिशु मोर्टेलिटी रेट थी वो कितनी थी टू हंड्रेड एटीन पर थाउजेंड मतलब पर थाउजेंड अगर बच्चे जन्म ले रहे तो उसमें से टू हंड्रेड एटीन मर जा रहे हैं और अभी क्या है अभी सिर्फ थर्टी थ्री परसेंट है पर थाउजेंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी 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 थर्टी टू ईयस मतलब लोगों को जिंदा रहने का जो एक्सपेक्टेशन था वो कितना था थर्टी ईयर्स और अभी क्या है अभी सिक्सटी नाइन ईयर्स तक पहुँच गया मतलब लोग इतना साल जी सकते हैं आराम से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था एग्रीकल्चर में पीपल सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट इन्वॉल्व थे मैनुफैक्चरिंग में टेन परसेंट एंड सर्विसेज सेक्टर में फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ठीक है उसके बाद देखो जहाँ पे जो कोई ऐसे स्टेट्स हैं मतलब कोई कोई जहाँ पे मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सर्विसेज सेक्टर में जो वर्क फोर्स था जो कर्मचारियों की संख्या थी वो बढ़ गई थी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटका ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वर्कफोर्स इंक्रीज हुआ था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में और एग्रीकल्चर सेक्टर में उसी टाइम में कहाँ पे इंक्रीज हो गया था राजस्थान पंजाब एंड उड़ीसा यहाँ पे उसी टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ रहे थे लोग ठीक है तो ये हो गया अब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लो ये हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बाद खत्म हो जाएगा अंडर कॉलोनियल रिजम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज पोर्ट्स वाटर ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप तो कॉलोनियल रूल में कॉलोनियल रूल के टाइम में कौन सी चीज़ें कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ट हुई थी तो रेलवेज पोर्ट्स वाटर ट्रांसपोर्ट पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स ठीक है ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में रेलवेज इंट्रोड्यूस कब करा एटीन और रेलवेज का जो इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इंडिया में उसने इंडियन इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करा तो टू इंपॉर्टेंट वेज हैं इसके पहला क्या है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल था लोगों के बीच में वो बढ़ा और दूसरा क्या था कॉमर्शियलाइजेशन जो था इंडियन एग्रीकल्चर का वो आगे बढ़ा आगे देखो क्या है ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड सी लैंड उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसमें इनलैंड ट्रेड को और सी लैंड को भी डेवलप करने का काम किया गया था ठीक है आगे हमारे पास द मेन मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू फॉस्टर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रैदर दैन टू एक्सेलेट द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी तो ये सारी चीज़ें जो भी की गई इंडस्ट्रीज बैठाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया गया वो सब किस लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए नहीं किया गया बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ाने के लिए किया गया सब अपने लिए किया गया हमारे लिए नहीं किया गया था ठीक है इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो मैं एक बार फिर से रिविजन करा दूंगी ठीक है कोई एक टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नोट्स चाहिए होगा तो मैंने बता दिया है इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर हाईलाइट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे ठीक है सो थैंक यू सो मच